साइंस क्या है? साइंस इज नथिंग विदाउट नेचर, वो कैसे आए समझते हैं? नेचर के बिना हम कुछ भी नहीं है। साइंस का जन्म नेचर से हुआ है। साइंस सिर्फ नेचर में छुपे हुए रहस्य का पता लगाता है। जहां हमें साइंस लाभ उतना ही हानि पहुंचाता है, लेकिन नेचर हमें सिर्फ लाभ ही लाभ देता है। अगर जमीन में पानी नहीं होता तो क्या, या नेचर के पास पानी ना होता तो हम कैसे जीवित रहते? अब धरातल पर पानी है, वो कैसे लाए, इसमें साइंस है कि आए पुरानी विधि से देखते हैं। धरातल से पानी पीने को कैसे मिला तो कुछ लोगों ने दिमाग लगाया कि अगर है तो उसे पिए कैसे जाएं। हालांकि और पहले भी नदी तालाब हुआ करते थे, लेकिन उस पानी को पीने के लिए सफर तय करना पड़ता था। जैसे जैसे दुनिया बढ़ती गई, वैसे वैसे मानव की बुद्धि का विकास होता गया। अब मानव ने सोचा, अगर पानी हमें घर के पास पानी पीने को मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। मान लीजिए एक मानव के मन में ख्याल आया कि जैसे नदी तालाब बनते हैं, वैसे ही हम जमीन में गड्ढा खोद के एक कुआं बनाया जाए, फिर उस बाल्टी के सहारे रस्सी से बांधकर पानी निकाला जाए। तो पहले जमाने ये विधि सफल हो गई। धीरे धीरे मानव के बुद्धि का और विकास हुआ। मन लो एक इंसान पढ़ लिख कर इंजीनियर बना, और अपने नॉलेज से उसने सोचा कि कुएं से पानी आ सकता है तो कोई विधि होगी जो कम समय में भी और कम मेहनत में पानी हम पी सकते हैं। धीरे धीरे हैंडपंप आया, फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले मोटर आए और सब कुछ आसान हुआ। ना नेचर होता ना पानी नहीं होता, सो नेचर के बिना कुछ नहीं है। साइंस, प्लीज सेव द वॉटर एंड नेचर।